और यहाँ पे निराश होकर लौटना पड़ रहा है क्योंकि पीछे भैया ने बताया कि वैक्सीन नहीं लग रही है। तो अब घर चलते हैं। गाइस, इट्स वेदांत कौशिक, वेलकम टू वेदांत कौशिक ब्लॉग्स, जहाँ हम रोज कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। दरअसल आज हमें जाना है वृंदावन और वहाँ करेंगे बहुत सारी मस्ती। हमारे साथ दीपक भी चलने वाला है और आकाश भी चलने वाला है, तो मजा आने वाला है बिल्कुल ही। हाँ, अभी नहीं हूँ तो अभी सीधे उठ कर आ गया हूँ और आपसे मिल रहा हूँ मैं। पिलर्स देख रहे हो, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे खंबे। तो ये जो खंबे थे यहाँ पर दो थे, दरअसल अभी एक आपको दिख रहा है, दरअसल दो खंबे थे जिनमें से एक खंबे को ये अंग्रेज और ब्रिटिशर्स ले गए। ये खंबा दूसरा वाला उनसे उठा नहीं और नहीं ले जा पाए। तो ये खंबे गोल्ड के बने हुए हैं, 24 कैरेट गोल्ड और बहुत ही प्योर, जो कि अब मिलने से तो रहा कहीं नहीं मिलेगा। तो यार हम आ गए हैं वृंदावन घूम के और यहाँ पर कैंटीन में इस समय खा रहे हैं कपकेक। कहीं क्या कहेंगे इसे भाई? चॉकलेट कपकेक। तो भाई हम खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ठीक है। और ये कैंटीन है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कोई नहीं है इस समय, एकदम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है यहाँ पर, कोई है ही नहीं दूर दूर से। कोई बात है, कोई बात नहीं, बात देख रहा ही नहीं, जान नहीं हो रहा है। तो फिर से स्टिंग खरीद रहे हैं, स्टिंग के प्यासे, जन्मों जन्मों के प्यासे लोग, और हम भी पियेंगे स्टिंग। अरे जा, नहीं सिखाया था तो मैं स्टिंग पीना, भूल गए तुम? हाँ, आकाश बताएगा, भूल गए, काई सही बात है, हम भूल, रेड पहना तो उसका मतलब स्टिंग ये पिएगा? नहीं, वैसे ऐसी बात नहीं है, स्टिंग का जो चलन था हम लोगों में वो मैंने शुरू किया था। चलन क्या, कोई यारी दोस्ती नहीं स्टिंग की, स्टिंग की कोई यारी दोस्ती नहीं। आंटी पेटीएम लो तो अभी कभी, आकाश ने बोतल को जो फेंका था उसने नाली में ही फेंक दी। अब इसकी अगर ये नाली रुक गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अंदर रखा नाली के अंदर, कितना कचरा भाई, गंदी गंदी चीजें नहीं दिखानी ब्लॉग में। रेड है, ओए कैच। तो यार हम चलते हैं और अपने घर और आपसे मिलते रहेंगे। आज हम वृंदावन गए, बहुत मजा आया। मैं तो डर गई। ओए क्या कर रहे हो बे, मैं एंड में बैठूं सालों एंड में गाइस एंड में प्यारते हुए एंड में कह रहा हूं। हाँ, तो हमें मिले हमारे एक और नए सब्सक्राइबर, हमें हम ये भैया, हम ये भैया ने ना हमसे पूछा कि क्या भाई तुम ब्लॉगर हो क्या, तो हमने बताया कि हाँ भाई हम ब्लॉगर हैं, और भैया ने कहा अरे जल्दी से हमें अपना चैनल बताओ यार, हम अभी सब्सक्राइब करते हैं। अरे यहाँ क्या कर रहा है, पहला प्यार था ये। यहाँ
पर हॉस्पिटल आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा का, तो हमें लगवानी है वैक्सीन और आज मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड डोज भी लग जाएगी, तो चलते हैं वैक्सीन लगवाने। अरे वेदांत बाबू वैक्सीन लगवाने आए थे पर वैक्सीन का जो डिपार्टमेंट है ये ही बंद पड़ा है, तो अभी देखते हैं वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। पे वेदांत के साथ स्कैम हो गया, वैक्सीन ही नहीं लग रही है। वेदांत निराश होकर अपने घर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे निराश होकर लौटना पड़ रहा है क्योंकि पीछे भैया ने बताया कि वैक्सीन नहीं लग रही है, तो अब घर चलते हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में। तू आ जा बाइक लेके, मतलब कितना बड़ा जालवाज है, इससे कह रही आता नहीं है साले, गाली मत दे, ब्लॉग वैसी कंटेंट नहीं होता हमारे पास, गाली देके तुम और सत्यानाश कर दो। तो इस बेचारे से कहता है तू बाइक ले आ, इसका ईंधन पेट्रोल खर्च करवा रहा, और फिर जब ये ले आता है बाइक तो कह देता है कि तू जा, ये कहाँ की बात है। अब मैं चल तो रहा हूँ भाई, हो गया चलने के लिए, अब चलेगा भी क्यों नहीं, दो दो लोग हैं तो इसको मारेंगे पकड़ के। तो यार हमारा दीपक आया कट्टा बदलने, भाई कौन सा कट्टा है थोड़ा आके बता, कट्टा कौन सी कट्टा, देसी कट्टा जो हाथ में पटे आता है, वो नहीं आटे का कट्टा है, आटे का कट्टा भाई तुम्हारी लेके आ। ओए वाला सीन याद है तू, कौन सा वाला डिग्री में पढ़ाई दोस्त वाले में धूप खाने आते ना हमेशा, तू ना है तू ना है, मैं तो था ही नहीं भाई, ना तू ना इधर देखा इधर देखा देखो भाई ये वाला ले लिया, क्या नाम है सांटे का, देख नहीं क्या दिखाई नहीं दी, एमपी गोल्ड सब, ओ ये नाम है एमपी गोल्ड, बहुत बढ़िया आटा है, मल्टीग्रेन आटा। यार ये जो इसकी बाइक है ना, ईद का चाल है, कभी कभी निकालता है भाई साहब, बहुत ही कभी कभी। मसला तो ये है कि ये यहाँ पे नल में ताला लग रहा है, और चलो नल में ताला तो लग रहा है ये समझ में आ रहा है, पर ताले लगने के बाद भी इसमें से पानी जो आ रहा है वो उसका मतलब नहीं समझ, अंदर ताला लगा हुआ है फिर भी उसमें से पानी आ रहा है, अब मेरे को फायदा नहीं पता पड़ रहा कि ताले का क्या फायदा, फिर फायदा ये कि नल चोरी नहीं होगा, पर पानी चोरी हो जाएगा कोई परेशानी नहीं, बहुत सही है। तो यार देखो मैंने क्या किया है, दीपक की बाइक का जो प्लग है वो बाहर निकाल कर रख दिया, और दीपक वहाँ पे सामान ले रहा है, तुम लोग हाँ तुम लोग देख सकते हो वो टंगा हुआ है उसमें, लेकिन अभी बाइक चालू नहीं होगी, दीपक के संग प्रैंक हो जाएगा, चालू नहीं होगी और वो चालू करता रह जाएगा, हवा निकल जाएगी उसकी, उसका तोड़वा ही देना भाई। तो अभी गो, और हमारा दीपक भाई आ गया है सारा सामान लेकर, सारा नहीं हुआ भी और लेना है, ले लेगा सारा सामान, बहुत बढ़िया हवा एकदम परफेक्ट, गाड़ी परफेक्ट है भाई वो, अच्छा गाड़ी परफेक्ट है, बहुत पुरानी इंजन टेढ़ा है उसका, वो भाई बहुत पुरानी भाई, अभी तो तारीफ कर रहा था तुमने, पैसे गिर गए, पैसे गिर गए, अरे कहां गए कहां गए, इतना बड़ा है अभी तुम्हें काम की चीज, तो तेरे काम की चीज तो नहीं है भाई ये दीपक, क्या होगा पैसा पैसा गिर गया होगा क्या, मेरे को तिकोन नहीं रहे पैसे, तो कोई बात नहीं, इमेजिनरी पैसे हैं वो, भाई नहीं होगी क्या चालू आज, भाई दीपक के पैरों में ना जान नहीं है, खत्म जिस बाइक की हम अभी बता रहे थे, इसकी दीपक बहुत सारी तारीफ कर रहा था, उसने यहाँ पे गलत सीन कर दी है, क्योंकि देखो वेदांत यहाँ बैठा हुआ है पोजीशन में तो वो हिल नहीं सकता, इसलिए व्लॉग मैं कर रहा हूँ, और ये बाइक बहुत खटा रहा है, इसमें आटा भरा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को बैठने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और आकाश को भी करना पड़ा है, आकाश इस हैंडल पे बैठा है, ये जो मेरे पीछे हैंडल है, हैंडल दिखाओ जरा, ये हैंडल है इसमें बैठा है, मैं इसमें बैठ गया हूं, जो तशरीफ है वो शेप ले चुकी है। ये गाड़ी कितने में बिकेगी गाइस, नीचे कमेंट करके बताओ, दीपक कह रहा है 50,000 में बिक सकती है अब भी, तो फाइनली
वेदांत अपने घर पहुंच चुका है। मैं अपने घर आ गया हूँ और ये दीपक अपने घर जा रहा है। बाय बाय बाय।